नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भाजपा का दावा, सुनामी में बदल जाएगी लहर। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में भाजपा को बहुमत मिलता देख पार्टी ने कहा कि उसकी लहर सुनामी में बदल जाएगी, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि पार्टी आत्मसंतुष्ट नहीं होने वाली। बिहार भाजपा के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हम पिछले 25 महीने से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हमें मिल रही है, मैं कह सकता हूं कि यह लहर है जो सुनामी में बदल सकती है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने की भविष्यवाणी के साथ एक राय शुमारी में गठबंधन को 125 सीटें मिलने की बात कही गई है। इस चुनाव पूर्व सर्वे में कहा गया कि जदयू के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 106 सीटें मिल सकती हैं और मुकाबला कांटे का होने के आसार हैं। जनमत संग्रह कराने वाली एजेंसी के अनुसार अन्य को 12 सीटें मिल सकती हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए 122 का जादुई आंकड़ा हासिल करना होगा। महेंद्र सिंह धोनी सुप्रीम कोर्ट की शरण में। भारतीय वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उनके खिलाफ दायर मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। धोनी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें बेंगलुरु में निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया था। धोनी की याचिका पर सुनवाई 14 सितंबर को होगी। उच्च न्यायालय ने पिछले महीने कहा था कि धोनी जैसे क्रिकेटर और सेलिब्रिटी को लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के परिणामों से अवगत होना चाहिए, उन्हें इस तरह के विज्ञापन करने के परिणाम पता होने चाहिए। उल्लेखनीय है कि धोनी पर एक पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में पेश होकर हिंदू देवता का कथित अपमान करने का आरोप है। हंदवाड़ा में मुठभेड़, दो आतंकी ढेर, सेना के दो जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गुरुवार रात से जारी भीषण मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए, जबकि दो आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल NN जोशी ने बताया कि यह मुठभेड़ कल रात श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा में लारीबल गांव के राजवाड़ा जंगलों में उस समय शुरू हुई जब वहां जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने खोजी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर स्वचालित हथियारों से अचानक हमला कर दिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स के दो जवान भी शहीद हो गए। खबर है कि कुछ आतंकवादी अब भी जंगलों में छुपे हुए हैं और उनकी तलाश की जा रही है।